जजेस की तादाद में इजाफे के ऊपर खबर जो चल रही है, क्या इसके लिए कोई आईनी तरमीम दरकार होगी या सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तादाद में इजाफा किया जाएगा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से तादाद में इजाफा हो सकता है। आईनी तरमीम तो इसमें आईन में तो कहीं नहीं लिखा कि जजों की तादाद सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में क्या हो, तो ये कहीं पे जो है ना, मेरा ख्याल हाई कोर्ट्स में प्रेसिडेंशियल आर्डर है और सुप्रीम कोर्ट में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। प्रेसिडेंशियल आर्डर से जो है ना वहां पे तो आ सकती है, तरमीम आ सकती है, और यहाँ पे जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से तरमीम आ सकती है, या तो इसमें कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है। अच्छा कामरान साहब, जो 26वीं तरमीम से पहले आप बहुत, एक अभी आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैंने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि तामीरी किरदार आपका था, बहुत बेहतर रोल था कि शुरू में आर्टिकल 8 को छेड़ा जा रहा था, फंडामेंटल राइट्स के इशू आ रहे थे, मिलिट्री कोर्ट्स का था, उन चीज़ों को आपने रोकने में बड़ा किरदार अदा किया, आपने या मौलाना फजल रहमान दोनों ने मिलकर किरदार अदा किया। अब दो चीज़ें इकट्ठी जुमे वाले रोज़ तवक्को की जा रही है, एक जजेस की तादाद में इजाफा 23 की जा रही है, सुनने में तो यही आया अभी, और दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को दोबारा चेंज किया जा रहा है। क्या होना चाहिए आइडियली, क्योंकि ये बार बार एक एक्ट आया था उसके ऊपर बहुत क्रेडिट लिया, फिर साथ ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, पहले दो सीनियर मोस्ट निकल गए, जस्टिस मुमिनुद्दीन को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने उसकी इसलाह की है, लेकिन दोबारा एक्ट को अमेंड किया जा रहा है, तो क्या बनने जा रहा है हमारे साथ? देखिए, इसको अगर छेड़छाड़ करेंगे तो ये गवर्नमेंट के गले में पड़ेगा। ये गवर्नमेंट शायद जो है ना, वो लोगों को, मैं लोगों से मुराद मेरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको प्रॉपरली जो है ना, वो उनको गेज नहीं कर पा रही। ये समझ रहे हैं कि इस तरह से कोई हमारी मर्जी के जो ना फैसले हो जाएंगे अदालतों से, ऐसा नहीं हुआ करता। जाहिर है वो जो अदालतों में लोग बैठे हैं उनका अपना जमीर भी है, और कभी चले कोई मेरे जैसा एक आध आदमी अगर किसी को मिल गया तो वो उससे कोई जायज नाजायज फायदा उसको मिल गया, मगर ऐसा नहीं होता कि वो आप सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। और ये जो ख्वाहिश है, ये हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है, ये मौजूदा हुकूमत की सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, इससे पहले वाली हुकूमत की भी, उससे पहले वाली हुकूमत की भी थी, मगर ये ख्वाहिश जो है ना वो आमतौर पर पूरी नहीं होती। तो इसलिए जो है वो फिर ये हमारे दोस्त नाराज हो जाते हैं जो गवर्नमेंट में बैठे होते हैं। इस वक्त भी ये इनको इनके हाल पे छोड़ दें। मैं ये जानता हूं कि ये इस वक्त जो टीम है वो बेहतर मामला को, आपको 1 महीने के अंदर जो ना नतज सामने आने शुरू हो जाएंगे, केसेस की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी और ये सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। ये बहुत जल्दी में जो फुर्तियां दिखा रहे हैं ये खराब करेंगे मामले को, और अल्टीमेटली ये इनकी खराबी इनके अपने गले पड़ेगी।